इधर देख लो त्रिशा, बाय बाय। गाइस वेलकम टू माय चैनल में संतीमा लाइफ स्टाइल। सो त्रिशा अभी आ रही है मार्केट से, और त्रिशा ने किया क्या शॉपिंग की आप देख सकते हैं। कल नहीं गई थी इसी वजह से क्योंकि इसको शॉपिंग करवाना था नाना जी से, तो ये बहुत सारा शॉपिंग करवा के आ चुकी है। तो चलिए दिखा दो क्या क्या शॉपिंग किया। हेलो गाइस, देख सकते हैं अभी अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, और शॉपिंग में मैं किटकैट लेके आई हूँ और चिप्स भी लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है कितना प्यारा सा ड्रेस लिया तुमने, क्रॉप टॉप लिया है। यहाँ पे इसका दुपट्टा देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ब्लाउज, और यहाँ क्रॉप टॉप खरीदवाई है, और यहाँ पे मैंने लहंगा भी है। देखिए गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है। और गाइस आप लोगों को तो एक जूती तो जो आपको हमेशा मीशो या फ्लिपकार्ट पे दिखाते हैं। हाँ, ज्यादा डायलॉग मत मारो। तो वही मैंने आज यहीं पे खरीदा है, वो ये है। मैं संतीमा मत बनूं, वाह कितना प्यारा, जो कि फ्लिपकार्ट में मिलता रहता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, वेलकम टू मिस अंतिमा लाइफ स्टाइल। सो अभी हम छत पे आ चुके हैं कपड़े डालने के लिए, और ये देखिए त्रिशा क्या लाई है, किटकैट। क्या लिए बता? किटकैट ली हूँ, चॉकलेट। तो अभी जस्ट मैं नहा के ऊपर आई हूँ, 11:30 हो गया, और ये मेरे लिए किटकैट आ चुका है क्योंकि त्रिशा गई थी मार्केट पापा जी के साथ शॉपिंग करने, तो त्रिशा शॉपिंग करके आ चुकी है। तो अभी हम खाएंगे किटकैट एंड डालेंगे छत पे कपड़ा। सो कपड़ा में ज्यादातर हम ऊपर नहीं डालते हैं, गैरेज में ही डाल देते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कहाँ पे डालते हैं, बट आज धूप लेना था तो मैंने सोचा कि चलो छत पे चलते हैं। चलिए दिखाते हैं, देखिए आपको गैरेज में दिख रहा होगा थोड़ा सा कपड़ा वहाँ पे डाला हुआ है, तो वहीं पे मैं ज्यादातर कपड़े डाल देती हूँ। पे आते आते इतना ज्यादा मतलब थक जाते हैं ना, क्योंकि आदत नहीं है, मैं बहुत कम ही आती हूँ, मैंने बोला है, बट अब क्योंकि ठंडी का टाइम आ चुका है तो अब छत पे आना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि धूप लेना है। तो ऐसे तो हम गैरेज में भी बैठ के धूप ले सकते हैं, बट छत पे ज्यादा अच्छा लगता है ना धूप में। तो अभी हम किन किन को किटकैट पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे मौसी जी अभी कपड़ा पसारने जा रही है डालने। मेरी मौसी जी बहुत मेहनत करती है, वीडियो बनाती है, कभी काम करती है, तो इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मौसी जी अपने बाल धोए हैं क्या? ऐसे मौसी जी आप कभी शॉपिंग की है अकेले में? नहीं मैं अकेले नहीं जाती हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या फिर मम्मी पापा के साथ भी जाती हूँ। यार मैंने कपड़े डाल दिए हैं तो अब हम नीचे चलते हैं क्योंकि ज्यादा देर मुझसे धूप में रहा नहीं जाता, आदत ही नहीं है, क्या बोलूं। और त्रिशा यहाँ पे घूम रही है, तो चले नीचे। तो अब हम नीचे चलते हैं, और त्रिशा आज शाम को चली जाएगी, कल नहीं गई थी बट आज पक्का चली जाएगी, है ना त्रिशा? बहुत ज्यादा धूप हो गया, बहुत ज्यादा। क्या करियो त्रिशा, तुमको छत पे आते ही प्यास लग जाता है ना? हाँ क्योंकि इतना धूप है ना, तो धूप पे तो पानी
जरूरी होता है। हाँ। आपको मिलेगी नेक्स्ट वहाँ पे देख के बोलो कैमरा पे। अब आपको हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज तो तुम चली जाएगी ना? हाँ तो तुम जाएगी, वो वाला ब्लॉग मुझे डालना, ब्लॉगिंग करना है। हाँ बहुत ज्यादा तुमको ब्लॉगिंग करने में मजा आता है। हाँ कैसे करेगी तुम ब्लॉगिंग? चलो मेरा फोन लेके करो तो थोड़ा सा, मैं कैसे करती हूँ थोड़ा करके बताओ। हेलो गाइस, मैं हूँ त्रिशा रानी, अभी मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, थोड़ी धूप भी लग रही है, इस तरह बनाते हैं। लीजिए ना गाइस, देखा आपने त्रिशा कितना अच्छा से ब्लॉगिंग करती है। ये पता है दीदी के मोबाइल में इतना ज्यादा इसने वीडियो शूट करके रखा है, बट डालती नहीं है, मत ये अपने मन से करती है, इसको अच्छा लगता है। ऐसे ही फोन पकड़ लेती है, ऐसे ही बोलती रहती है हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, ये दिखाती हूँ वो दिखाती हूँ, मतलब घर का जितना चीज होता है वो सब कर करके ये इतना ज्यादा वीडियो शूट करके रखी रहती है। सो ज्यादा मैं अब नहीं बोलूंगी, नहीं तो मेरा वीडियो भी फिर से बढ़ने लगेगा। सबको लगता होगा ना ब्लॉगिंग करना कितना सिंपल है, ऐसे फोन पकड़ो और ब्लॉगिंग, बोलते जाओ जो भी बोलना है, बट मैं आपको एक रियल बात बताती हूँ जो हम फील करते हैं, जो हमारे साथ होता है अगर हम सैड भी रहे। एग्जांपल देती हूँ, अगर हम सैड भी हैं, हमारे अंदर कुछ मतलब हम अच्छा फील नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हम वीडियो में एकदम स्माइल करके आप सबका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और कोशिश करते हैं स्माइल देते देते हर वीडियो को एंड करें शुरू से लेके लास्ट तक, ताकि अगर आपका मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो आपको भी सामने वीडियो देख के अच्छा लगे, अच्छा फील हो, आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो तो ऑन हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये कोशिश हम ब्लॉगर की हमेशा से रहती है। तो वीडियो लगी अच्छा लगे मेरी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ अभी अपने घर, तो फिर उसके बाद मैं आपको बाद में मिलूंगी दूसरे वीडियो में। जब रहेगी नहीं तो वीडियो में कहाँ से मिलेगी। ठीक है बाय 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 त्रिशा, फिर आना, कब आएगी? ठीक है बैठो, रुक रुक जा इधर देख लो त्रिशा, बाय बाय। तो गाइस चली गई त्रिशा और मैं फिर से हो गई अकेली, अकेले ही रहना लिखा है तो किसके साथ रहा जाएगा। सो गाइस त्रिशा चली गई और मैं अकेले हो गई फिर से, थी तो इतना अच्छा लग रहा था, मौसी जी वो साथ में थी, बट कोई नहीं अब फिर आएगी जब आएगी तब। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।